असल में बात ये है, मैं पत्नी से गल कर रहा सर, मेरा भतीजा एक है तो उसके लिए हम कुड़ी की बात कर रहे थे, तो मैं लड़की के घर गया, तो मैं कुड़ी के घर दाखिल ही होया, उठे ही मेरे कदम रुक गए। सर वो चाय के पानी उबलने की आवाज आ रही है, मैं खुद ही देख लेता हूँ चाय को, बजाय इसकी कि वो लोग देखें, तो एक फर्स्ट क्लास की चाय बना के लेके आता हूँ मिठाई के साथ, मैं आया दो मिनट में। आप पूछेंगे कि क्यों भाई? हाँ तो मियाँ जी, आप बता रहे थे कि आपके पैरों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। गाल ऐसी कि ये तो दादा था ना, इसको मैं पुराना जानता था। अच्छा, ये हमारे ही इलाके का बंदा था, पटवारी होता सी। हाँ, और बहुत ही बड़ा रिश्वतखोर। ओह ओह, तो मैंने सोचा यार जो दादा इंच का है तो इसके वो साफ तो बच्चों में भी होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके रिश्तेदारों में तो कोई ऐसा दादा नहीं गुजरा ना। हो भी सकता है, तो फिर दबा दियो, एक गल बात ना निकले। दबा दिया। जी मियाँ जी, मियाँ जी, आपने ना बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, आपने बिल्कुल ठीक किया। खून का रंग तो एक दिन दिखाता ही दिखाता है। Are you okay? परेशान लग रही हूँ। परेशान तो हूँ, पता है माहिर सख्त मुश्किल में है। अनिया जी, आपको लगता नहीं है कि आप माहिर को लेके कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हैं? आई मीन के आप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हैं, लेकिन वो कभी भी आपको इतना सीरियस नहीं लेता मेरे ख्याल से। वो मेरे साथ कैसे और कैसा नहीं, ये मेरा और उसका मसला है। खैर, अभी तो माहिर बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। आपको पता है उसकी स्टेप मदर, वो अपनी मुंह बोली बेटी का रिश्ता तय करवाना चाहती है माहिर के साथ जबरदस्ती। हीर की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रानिया जी, माहिर कोई मशरकी रिवायत की जंजीर में लिपटी कोई मजबूर लड़की है, वो मर्द है और वो अपना फैसला खुद कर सकता है। अच्छा बुरे की तमीज है उसे, उसे शादी करनी होगी या नहीं करनी होगी वो खुद फैसला कर लेगा ना इस बारे में। आप क्यों खामखा टेंशन ले रही हैं? अरे खामखा टेंशन ले रही हूँ मैं? वो कजन है मेरा, जब मैं दुनिया में हर इंसान का भला सोच सकती हूँ तो उसका तो सोचूंगी ही ना। आपको कोई काम था मुझसे? जी हाँ, वो हॉस्पिटल में जो बच्चे थे वो आपको बहुत मिस करते हैं। पहली पहली बार है ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। पर और की कम करना है सर, मैं गोल रोटी बना लेता हूँ, चलती हुई बाइक के अंदर जो दुपट्टे उलझ जाते हैं ना चेन में, सर वो भी निकाल लेता हूँ। सर केबल की तार लगा ले। आयाज, मैं बता रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, मेरे सारे कामों में ये हाथ बटाता है, और बाहर के तो काम सारे इसी ने संभाले, में घर के काम थोड़ी करता है, सारे काम बाहर के करता है। इन्ना भी ना कोऑपरेटिव नहीं होना चाहिए है, और पता है घबराने की क्या बात है यार, मैं कुड़ी दा प्यो हैगा, मैं को लड़की पप्पो नहीं, जो तेरे में नुक्स कटे तो रिश्ता उठे ही जाके जनाब भी रिजेक्ट कर दे। नहीं हो एतमाद पे आत्मा, ब्रेकिंग न्यूज, रिश्ता हो गया। सिर्फ तारीख तय करनी, तू घबरान क्यों दे? मुबारका मुबारका। सर मिठाई लेके आता हूँ। शर्मा आ गया।